क्या आपको पता है अगर गोविंदा और सतीश जैन जी के बीच लड़ाई ना हुई होती तो छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म मोर छैया मैया कभी बन ही नहीं पाती। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो हॉलीवुड इंडस्ट्री जिस मुकाम पर आ जाए वो कभी पहुंच ही नहीं पाता अगर ये सब ना हुआ होता। सो नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। इंफोसोनिक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सतीश जैन जी के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डायरेक्टर बनने तक के सफर और गोविंदा से हुई उनकी लड़ाई के बारे में कि क्यों हुई, कैसे हुई, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सतीश जैन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक है और हॉलीवुड इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उसमें कहीं ना कहीं सतीश जैन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लोग उन पर भरोसा करके फिल्में देखने जाते हैं और वो लोगों को निराश भी नहीं करते। लेकिन सतीश जैन जी का ये सफर बहुत ही लंबा रहा है। उनका जन्म भानुपुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही मूवीज देखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भानुपुर से ही कम्प्लीट की। उसके बाद सतीश जैन जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी वो बहुत सारी पिक्चरें देखा करते थे, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ तक तमिल मूवीज भी देखा करते थे। फिर उन मूवीज को देखकर उनके रिव्यू लिखना कि वो मूवीज क्यों हिट हुई या फिर क्यों फ्लॉप हुई, और यहीं से ही इनके मन में एक डायरेक्टर आकार लेने लगा था। इनको बचपन से ही कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था और मुंशी प्रेमचंद जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। जब वो 23-24 साल के थे तभी से ही वो मूवीज के रिव्यू लिखा करते थे। इससे उनकी स्टोरी टेलिंग और राइटिंग स्किल भी कमाल की हो गई थी। उस समय डायरेक्टर बनने के लिए और ऐसे इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए मुंबई जाना जरूरी था और इनका सपना बचपन से ही बॉलीवुड में काम करने का था और मुंबई जाने के लिए इन्हें अपने पिताजी को मनाना बहुत जरूरी था। फिर इन्होंने मुंबई की एक टेक्सटॉन लिमिटेड कंपनी में जॉब करने के बहाने घर से परमिशन ले ली और मुंबई आकर पहले दिन से ही बॉलीवुड के चक्कर काटना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे दिन बीतते गए और उन्हें कोई काम नहीं मिला। वो जहाँ भी जाते उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही करते करते साल, दो साल, तीन साल बीत गए और ना ही उन्हें कोई काम मिला और जॉब भी नहीं करते थे। फिर एक दिन सतीश जैन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर विनोद तिवारी जी से मिलने का मन बनाया और एडिटर उनसे मिलने के लिए मान भी गए। फिर जब सतीश जैन जी विनोद तिवारी जी से मिले तब उन्हें रिक्वेस्ट की उन्हें बॉलीवुड में काम दिलाने को, लेकिन विनोद जी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। फिर ऐसे ही करते कई दिन बीत गए। उसके बाद सतीश जैन जी ने फिर से विनोद जी को एक लेटर लिखा और जब वो लेटर विनोद तिवारी जी को मिला तब वो लेटर पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए क्योंकि वो लेटर उन्हें इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने उन्हें जॉब पर रख लिया। और तब सतीश जैन जी टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े स्टार्स के इंटरव्यू लेने लगे थे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया की एक मैगजीन छपा करती थी जिसका नाम माधुरी था। सतीश जैन जी उसके लिए भी पोस्ट लिखा करते थे। उनके इंटरव्यू धीरे धीरे इतने पॉपुलर होते गए, लोग उन्हें पसंद करने लगे क्योंकि उस इंटरव्यू के दौरान सतीश जैन जी स्टार से तीखे सवाल करते थे। और धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ परमानेंट नौकरी का ऑफर भी आया, लेकिन सतीश जैन जी ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि अभी भी उन्हें डायरेक्टर बनना था। और फिर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब छोड़ दी और इसी बीच उनकी मुलाकात सुरेश ओबेरॉय जी से हुई जिससे उन्होंने रिक्वेस्ट की उन्हें काम दिलाने को। तो उन्होंने गोकुल आनंद जी के पास असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिलवा दिया और उन्हें आगे कीर्ति गमोर जी के साथ काम करने का मौका मिला और फिर उन्हें स्टोरी लिखने का भी मौका मिला। 1992 में नसरुद्दीन शाह जी की एक मूवी आई पनाह, उसकी स्टोरी भी सतीश जैन जी ने लिखी थी। ये सतीश जैन जी की एज अ राइटर पहली मूवी थी और ये मूवी बहुत हिट हुई। फिर उन्हें और मूवीज लिखने के भी ऑफर आने लगे और इसी बीच उनकी दोस्ती गोविंदा जी से भी हो गई। गोविंदा के कहने पर ही उनकी मूवीज की बहुत सारी स्टोरीज लिखी। उस समय उन्होंने बहुत सी स्टोरी लिखी। एक स्टोरी लिखने के लिए 5 से 6 लाख रुपए उस समय चार्ज किया करते थे, लेकिन स्टोरी लिखने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पैसों के लिए उन्हें लिखना पड़ता था। उसी समय की बात है, उनके द्वारा लिखी गई मूवीज अच्छी खासी कमाई करती थी। ऐसे में वो दिन आया जब उनकी लड़ाई डायरेक्टर और गोविंदा से हो गई। दरअसल हुआ ये था कि उन्होंने हद कर दी, आपने मूवी की स्टोरी लिखी थी और मूवी की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही थी। मूवी की स्टोरी सतीश जैन ने कुछ और लिखी थी और बन कुछ और रही थी। इसी बात को लेकर मूवी के डायरेक्टर से उनकी बहस हो गई। फिर उनके बीच गोविंदा ने भी इंटरफेयर किया और गोविंदा ने सतीश जैन जी का साथ नहीं दिया। जब मूवी का क्लाइमैक्स आया तभी सतीश जैन जी और फिर गोविंदा के बीच अच्छी खासी बहस हो गई। फिर सतीश जैन जी बॉलीवुड छोड़कर छत्तीसगढ़ आ गए और बॉलीवुड की किसी भी मूवी की स्टोरी न लिखने की कसम खा ली और छत्तीसगढ़ में आकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था मोर छैया मैया, जिसने 3.5 करोड़ का बिजनेस किया। उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने झन भूलो माँ बाप ला, लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप, टूरा रिक्शा वाला और मया, इसके बाद चल हट कोनो देख ली। फिर उसके बाद हाल ही में जो उन्होंने मूवी डायरेक्ट की वो है ले शुरू हो गए मया की कहानी, जिसने आते ही सारे मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी फिल्में जब भी छत्तीसगढ़ में लगती है पिछली मूवीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। उनकी फिल्में
फिल्में ऐसे ही होती हैं, या फिर हिट होती है या फिर सुपर हिट होती है। और इसी के साथ उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफी सारी फिल्में डायरेक्ट की है, जैसे बादल, दिलवाला और भी कई सारी मूवीज डायरेक्ट की है। वैसे आपको सतीश जैन जी की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है नीचे कॉमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।